नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। गाज माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन के नाम मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी महोदय जिला छिंदवाड़ा एवं कलेक्टरेट कार्यालय छिंदवाड़ा में सौंपा गया ज्ञापन। पूर्व प्रशिक्षित जन स्वास्थ्य रक्षकों द्वारा दिया गया ज्ञापन मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कोई भी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता, इसलिए हमने जिला मध्य प्रदेश और देश के सम्मान में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जान की परवाह किए बिना किसी लोभ लालच के डोर टू डोर स्क्रीनिंग सर्वे दवाई वितरण जन जागरूकता में स्वास्थ्य विभाग का सहयोग किया। और जब सरकार ने पीएचवी के रूप में शासकीय आदेश जारी किया तो हम पूर्व प्रशिक्षित जन स्वास्थ्य रक्षकों का इस आदेश में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया, जिससे प्रदेश के पूर्व प्रशिक्षित जन स्वास्थ्य रक्षकों के स्थान पर नवीन भर्ती प्रक्रिया से नए सीएचबी बन जाएंगे और वर्षों से कार्य करने वाले हम जन स्वास्थ्य रक्षकों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा, इसलिए सरकार से उन्होंने निवेदन किया है। वर्णित आदेश में जन स्वास्थ्य रक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पूर्व प्रशिक्षित जन स्वास्थ्य रक्षकों के समावेश के पश्चात नवीन भर्ती प्रक्रिया शुरू की जावे। संवाददाता शुभम सहारे छिंदवाड़ा। अभी एक नए सीएचबी की नियुक्ति का आदेश शासन के द्वारा निकाला गया है, जो कि हम लोगों के साथ में सरासर अन्याय है। जबकि पूर्व से ही हम लोग जो है 6 माह का प्रशिक्षण स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है हम लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से जो है दिया गया है और हम लोग जो है निस्वार्थ भाव से निःशुल्क अपनी सेवाएं जो है ग्रामीण क्षेत्र में देते आ रहे हैं। शासन के द्वारा एक और आदेश अभी जो है नया निकाला गया है, जिसमें रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर को सूचीबद्ध करके जो है कोविड का जो तीसरा दौर आने वाला है उसमें सहयोग लेने के लिए जो है सूचीबद्ध करने का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें जन स्वास्थ्य रक्षकों को नहीं लिया गया है। तो हम लोग शासन से जो है ये मांग करते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी एवं समस्त प्रशासन से हमारी ये मांग है कि हम लोगों को जो है रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर की श्रेणी में हम लोगों को भी सूचीबद्ध किया जाए। समस्त मध्य प्रदेश में हम लोगों की जो लिस्ट है कार्यरत जन स्वास्थ्य रक्षकों की, वो समस्त मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है। उस सूची के आधार पे हम लोगों का जो है सूचीकरण किया जाए और हमें प्राथमिक चिकित्सा करने का जो अधिकार है उसमें जो है हमारी सहयोगी सहभागिता हमारी जो है शासन ले। हम जो है स्वास्थ्य विभाग की एक प्रथम कड़ी के रूप में शुरू से काम कर रहे हैं और अंतिम समय तक जो है हम लोग जो है स्वास्थ्य विभाग के सहयोगी के रूप में काम करेंगे और ग्रामीण जनता को निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं देने के लिए जो है हम जो है वचनबद्ध हैं। हम शासन से यही मांग करते हैं, स्वास्थ्य विभाग से, कलेक्टर साहब को भी अभी हम ज्ञापन देकर के आए हैं। तो हमारी समस्त विभागों से, समस्त जनप्रतिनिधियों से ये मांग है, हमारी विधायक महोदयों से भी ये मांग हमने रखे हैं कि मंत्रिमंडल में भी हमारी ये बातें जो है उठाएं और जन स्वास्थ्य रक्षकों को जो योजनाओं से जो वंचित हो रहे हैं उन्हें जो है उसका लाभ दिलाया जाए। और हम लोगों की नियुक्ति भी जो है प्रदेश सरकार ने, पहले जो है पूर्व कांग्रेस सरकार ने हमारी नियुक्ति करने के लिए जो एक चरणबद्ध तरीके से जो है सूचीकरण का काम चालू की थी, तो हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी से जो है निवेदन करते हैं कि वो हम लोगों के ऊपर दया करें और हमारी जो है नियुक्ति भी जल्द से जल्द करें, ताकि जो है सरकार की जो मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है स्वास्थ्य परिचय बताइए। मेरा नाम जो है प्रमोद टेकरे, मैं मध्य प्रदेश जन स्वास्थ्य रक्षक संगठन जिला छिंदवाड़ा का अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ जो है प्रतिनिधि मंडल के रूप में जो है मैंने ज्यादा लोगों को नहीं बुलवा करके